प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। राज्य सरकार ने रामनवमी जुलूस समेत सभी प्रकार के धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग आज नई गाइडलाइन जारी करेगा। इसके अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दी गई है। इससे पूर्व 30 मार्च को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा धार्मिक जुलूस निकालने से संबंधित गाइडलाइन जारी की गई थी। इसमें समय सीमा शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई थी। विभिन्न रामनवमी समिति के लोग समय सीमा बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे थे। उनका कहना था कि झांकी रात में ही निकलती है, इसे लेकर इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। झाऊमो के विधायक सुदेव्य कुमार ने रात 9:33 पर ट्वीट कर समय सीमा बढ़ाए जाने का संकेत दे दिया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह किया गया था रामनवमी कार्यक्रम की समय सीमा जनभावना के अनुरूप बढ़ाई जाए। उनसे सकारात्मक वार्ता हुई, आशा है निर्णय सर्वमान्य होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ट्वीट किया था। आपको बता दें कि 54 के खिलाफ नामजद और 500 के अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज होने के विरोध में केंद्रीय रामनवमी महासमिति ने खूंटी में रामनवमी महोत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया है। महासमिति ने गुरुवार की शाम बैठक कर रामनवमी महोत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया। महामंत्री जितेंद्र कश्यप ने कहा कि शांति समिति की बैठक में झड़प को लेकर सुलह कर लिया गया था। केंद्रीय रामनवमी महासमिति के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर किसी प्रकार की घटना नहीं होने का आश्वासन दिया था। दूसरी तरफ समिति के लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।